न्यूज चैनल को दिए इंटरव्यू में एंकर द्वारा हिजबुल मुजाहिदीन के सवाल पर अब्दुल्ला भड़क गए। उन्होंने कहा कि वह कभी भी बातचीत के खिलाफ नहीं रहे। कश्मीर घाटी में जो लोग आजादी के पक्षधर भी हैं, उनसे भी बात करके ही समझौते का रास्ता निकाला जा सकता है। वहीं एंकर द्वारा ये पूछे जाने पर कि वह इंडियन है या नहीं, इस पर अब्दुल्ला साहब भड़क गए और उन्होंने कहा कि मैं सही बात कहता हूं तो मुझे भारत विरोधी करार कर दिया जाता है और पाकिस्तान में मुझे पाकिस्तानी विरोधी करार किया जाता है। तुम मेरी नागरिकता पूछने वाले कौन हो? यह कहकर उन्होंने कहा कि यदि तुम में दम है तो पाक अधिकृत कश्मीर ले क्यों नहीं लेते, किसने रोका है? लेकिन हमें याद आता है कि जिस समय वाजपेयी जी की सरकार थी, वो हिजबुल मुजाहिदीन के टेररिस्टों से बातचीत करने के लिए यहाँ से होम सेक्रेटरी कमल पांडे को भेजते हैं। कहाँ भेजते हैं? श्रीनगर की बात कीजिए और आप उस समय ऑटोनॉमी की बात करने लगते हैं, बोलते हैं ये सब फालतू चीज़ें हैं। हजूर अब सुनिए ज़रा, अडवाणी जी जिंदा हैं, उनसे पूछ लीजिएगा कभी। मुझे बुलाया गया और अगर यहाँ कोई इंटेलिजेंस के लोग होंगे उनको पता होगा, यहाँ पे एक प्रोपेगेंडा दिल्ली में किया गया होम मिनिस्ट्री में कि फारूक अब्दुल्ला इस मुलाकात के खिलाफ है। एंड दे आर ऑल सिटिंग इन दैट ऑफिस ऑफ होम मिनिस्टर एंड आई टोल्ड देम आई एम नॉट अगेंस्ट इट, आई थिंक टॉकिंग इज द राइट थिंग, गो अहेड, व्हाट डू यू वांट फ्रॉम मी? यू नो व्हाट द मिस्टेक वॉज? मिस्टेक वॉज यू मीडिया। व्हेन दोज फोर पीपल केम टू टॉक, it was all supposed to be a secret talk, the media was on top of their head. aaj un charon mein se ek bhi zinda nahi hai, kaun zimmedar hai? hai kaun zimmedar hai janab unko kandhar pahunchane ke liye? hai ek jahaz aap qurban nahi kar sake, 200 aadmi nahi qurban kar sake is watan ke liye। मैंने इनसे कहा, मैंने कहा मत छोड़ो, जिसके लिए आज आप यूनाइटेड नेशंस में खड़े हैं कि इस मौलाना को टेररिस्ट करार दो और चीन तुम्हारे ऊपर धप्पा मार रहा है, सवाल ही नहीं। मैंने उनसे कहा था उस वक्त, मत छोड़ो, ये तुम्हारे लिए एक फांसी का फंदा होगा। नहीं माना, नहीं माना किसी ने। या जो मुफ्ती साहब की बेटी के लिए 5 को छोड़ा गया, किसी ने माना? और फिर भी कहते हो कि हम वफादार नहीं। अरे हम वफादार नहीं, तुम भी तो दिलदार नहीं, फिर भी हमारी वफा पे तुम्हें शक है? कब तक शक करोगे? या पहली बार कह रहे हैं कि कंधार जिस जहाज को ले जाया गया उसके लिए टेररिस्टों को नहीं छोड़ना चाहिए था, चाहे 200 लोग की हत्या ही क्यों ना हो जाए। मैंने बिल्कुल कहा, बल्कि गवर्नर सक्सेना तो अभी गुजर गए हैं, मगर वो दुलत जिंदा है, उससे पूछ लीजिए, वो आया था ना सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, रॉ का चीफ था। मैंने वो सुनाई उन 20 को कि मेरे ख्याल से उनका पेशाब निकल गया वहीं पर। मैं, तुम क्या कर रहे हो, क्या चाहते हो, इस वतन की बर्बादी चाहते हो? वो तो हो गया, आज उसको टेररिस्ट डिक्लेयर कर रहे हो, पहले तो हार पहना के उसको कंधार ले गए ना। ब्यूरो रिपोर्ट, EMS TV, भोपाल।